मुरादाबाद जिले की पुलिस लाइन में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया गया कि पकड़े गए चोरों के कब्जे से उनकी निशानदेही पर चोरी की एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर ली गई है। इस मौके पर सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी, इंस्पेक्टर मंजुला धनंजय सिंह व चोरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए चोरों से अभी और पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए चोरों के नाम विवेक और प्रशांत, दोनों भाई बताए जाते हैं। एसपी सिटी ने बताया कि इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद सब इंस्पेक्टर अनकपाल सिंह, राजीव शर्मा, जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल संदीप नागर, आशीष नायडू ने जब मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया तो आसानी से पुलिस टीम चोरों तक पहुंच गई और चुराया गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़ा गया एक आरोपी पहले भी अन्य आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है और ये चार भाई हैं जिनमें चारों इसी तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। कोई अज्ञात बदमाश उसको उठा के ले गए थे, महत्वपूर्ण घटना थी जिसके संबंध में थाना मझोला पर एक FIR पंजीकृत हुई थी और उसमें हमारी पूरी पुलिस टीम सीओ सिविल लाइंस के नेतृत्व में काम कर रही थी। इससे पूर्व में भी तमाम घटनाएं इस तरह की हुई हैं कि इस तरह के वाहन, खासतौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक, जैसे चोरी हो जाते हैं तो कहीं अन्य तरह का या तो यूज़ किया जाता है, तो उस पर हमारी टीम लगातार काम किया और इसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें दो अभियुक्त, एक विवेक शर्मा और प्रशांत शर्मा, ये दोनों सहवाद जनपद रामपुर के रहने वाले हैं, इनके कब्जे से वो ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद हुआ है और इसमें इनका एक अन्य साथी जिसका नाम रंजीत था वो अभी फरार है। इनसे पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ कुछ अपना मजदूरी जैसा कुछ काम यहाँ करते थे और उसी दौरान ये लोग ये भी देखते रहे कि कहाँ से इस तरह की घटना ये लोग कर सकते हैं और इस रात्रि में उस यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली को ये लोग उठा के ले गए थे और वहाँ पर बेचने का अलग अलग स्थानों पर प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इनको पकड़ लिया। सब पकड़े गए आरोपियों को आपराधिक इतिहास है? हाँ, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें जो विवेक शर्मा है ये पूर्व में भी हयात नगर से और शाहबाद थाना क्षेत्र से कुछ चोरी के मुकदमों में जेल जा चुका है और इसका एक अन्य साथी जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है उसका भी आपराधिक इतिहास है। इस प्रकार ये पूर्व से ही अभ्यस्त अपराधी रहे और इनकी गिरफ्तारी से चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।